हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैनेजिंग मेनस्ट्रुअल वेस्ट इन इंडिया। देखिए, मेनस्ट्रुअल वेस्ट किसको बोलते हैं? जो महिलाएं रिप्रोडक्टिव एज में होती हैं वो मासिक धर्म से गुजरती हैं, जिसको मेनस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या फिर पीरियड्स बोलते हैं। उससे उसके लिए वो सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं, पैड्स यूज़ करती हैं। अब उस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि ये जो मेनस्ट्रुअल वेस्ट है उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर मॉडल जो है वो अवेलेबल नहीं है और इस डिस्पोजल को लेकर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है ये, एक प्रॉपर मॉडल इसके लिए आना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या होना चाहिए, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। ये है हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इनके बारे में अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और जो भी कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं उनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जो पीडीएफ है हाँ इस लेक्चर का, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। चलिए अब बात करते हैं कि ये एक बहुत ही मैमथ टास्क है, यानी बहुत ही बड़ा टास्क है, मुश्किल टास्क है कि ये जो मेनस्ट्रुअल वेस्ट है इसको हमने किस तरीके से मैनेज करना है। इंडिया हैज़ क्लोज टू 12.3 बिलियन डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स। सैनिटरी नैपकिन्स यानी जो पैड्स मासिक धर्म के टाइम यूज़ किए जाते हैं उसको हम सैनिटरी नैपकिन्स बोलते हैं। और इंडिया में हर साल 12.3 बिलियन डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं वो कलेक्ट होते हैं, जिनको हमें डिस्पोज करना है। और मुश्किल की बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, कंपोस्टेबल नहीं है, ना ही हम इनको प्रॉपरली एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से बायोडिग्रेडेबल यानी डिकम्पोज कर सकते हैं, ना ही कंपोस्ट बना सकते हैं, राइट? अब देखिए, आज हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और इतना मुश्किल टास्क क्यों लग रहा है। पिछले कुछ सालों से जो MHAI है आपका मेनस्ट्रुअल हाइजीन अलायंस ऑफ इंडिया, मेनस्ट्रुअल। अब जो MHAI है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके उनको काफ़ी सचेत कर रहा है कि हमको मेनस्ट्रुअल वेस्ट को ठीक से ट्रीट करना पड़ेगा, वरना इन्वायरमेंट पे इसका बहुत ज़्यादा असर देखा जाएगा। अब देखिए, डेटा ये दिखाता है कि भारत में 336 मिलियन जो महिलाएँ हैं वो ऐसी हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, जो पीरियड्स, जिनको हर महीने पीरियड्स आते हैं, मेनस्ट्रेटिंग वुमेन हैं। अगर उनमें से इनफैक्ट 36% महिलाएं ऐसी हैं जो सैनिटरी नैपकिन्स, डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं। उसका मतलब 336 मिलियन से कितनी महिलाएं हो गई, 121 महिलाएं हो गई जो कि सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती हैं। उसका मतलब ये है कि हर साल हमारे पास 12.3 बिलियन डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनको हमने डिस्पोज करना है। अब देखिए, भारत में दो ही मेन ऐसी सिटीज़ हैं जिनका बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वो सिटीज़ हैं बेंगलोर और दूसरी है पुणे। यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट इंटरवेंशंस हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। जब जहाँ से ये कलेक्ट किया जाता है वेस्ट, उसको वहीं पे अलग सोर्स पे, यानी जहाँ से घरों से कलेक्ट किया जाता है या कहीं पे भी जो बड़े बड़े बिन्स लगाए जाते हैं जहाँ से वेस्ट मटेरियल जो है गार्बेज कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे ही इसको आइडेंटिफाई, मेनस्ट्रुअल वेस्ट जो है उसको पहचाना जाता है और उसको अलग से गार्बेज कलेक्शन जो है उसकी की जाती है। ऐसा हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं वो भी बताते हैं। और वैसे भी जो सॉलिड मैनेजमेंट रूल्स हैं हमारे, मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ही हमारे सामने ये है कि मेनस्ट्रुअल वेस्ट को हमने किस तरीके से डिस्पोज करना है। और देखिए, हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है सैनिटरी वेस्ट को लेके, कि जो इंडिया में यूज़ किया जाता है सैनिटरी नैपकिन्स, उनमें प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, इसलिए उसको ना ही वो बायोडिग्रेडेबल होता है, इस वजह से वो हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स भी उसके साथ बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में आए थे। इससे पहले जो रूल्स थे वो 2000 के थे, लेकिन 2016 के रूल्स आने के बाद उनको इन्होंने 2000 वाले रूल्स को उन्होंने
रिप्लेस कर दिया, राइट। अब देखिए ये जो रूल्स हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो रूल्स हैं, अब ये म्यूनसिपल एरियाज़ के आगे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो गए हैं। इसमें अर्बन जो एग्लोमरेशंस आती हैं या आपके सेंसस टाउन्स हो गए, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हो गए, वो सब एरियाज़ को ये कवर करता है। मेन फोकस इसका रहता है सेग्रीगेशन, यानी जब हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं जिन जगहों से कलेक्ट किया जाता है वहीं पर उसको अलग कर लेना चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए, सेग्रीगेशन हो गया उसको अलग कर लेना चाहिए कि हमें पता है कि ये वेजिटेटिव वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये कांच का वेस्ट है, ये मेनस्ट्रुअल वेस्ट है, वहीं पे हमें उसको अलग कर लेना चाहिए। ये फोकस है इन रूल्स का। और देखिए ये भी एडवाइस किया जाता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके ट्रीट करके डिस्पोज करना चाहिए कंपोस्टिंग के थ्रू। जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं हम उससे कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हमारे होते हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन वगैरह होती है, ऑर्गेनिक जो होते हैं उनको जब हम डिकम्पोज करते हैं काफ़ी हीट और प्रेशर की वजह से, नेचुरल तरीके से उसको डिकम्पोज करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीव्स स्ट्रॉ इस तरीके की चीज़ें डाली जाती हैं और बाद में वो हमारे लिए सॉइल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कंडीशनर की काम करती हैं, सॉइल को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने की काम करती हैं। यानी हम वेस्ट को यहाँ पे कंपोस्ट में बदल रहे हैं और बाद में उस कंपोस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी इन रूल्स में इस पर भी फोकस करने को कहा गया है। और ये रूल्स जो है कंपोस्ट को या जो वेस्ट को हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वेस्ट जो है उसको हम एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम W2E बोलते हैं, वेस्ट टू एनर्जी, राइट, उस पे भी फोकस करने के लिए बोला गया है। और देखिए जो गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई है, जो चेयरमैनशिप है उसमें सेक्रेटरी की, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज है, वो इसका ध्यान रखती है, राइट। तो स्पेशली यहाँ पे आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप चेक करेंगे वहाँ पे भी ये लिखा है कि जो देश का हर एक नागरिक है ये उसकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि उसको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो फॉरेस्ट हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, वाइल्ड लाइफ हो, कुछ भी हो। सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे भी लोगों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से इसको डिकम्पोज करना है। अब देखिए क्लीन इंडिया एंड मेनिस्ट्रल वेस्ट क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, क्लीन इंडिया प्रोग्राम आपको पता है एक वेव जो है पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा हमने अपने देश में देखी है, स्वच्छ भारत अभियान की, राइट, बहुत ही लेटर एंड स्पिरिट में भी चली है। गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड कैंपेन्स जो है वो लेके आए हैं, राइट, सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत ज़्यादा ये देखा है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मेनस्ट्रुअल वेस्ट की जो बात है वो कभी हमने किसी को करते हुए नहीं सुना है, उसके बारे में अवेयरनेस देते हुए हमने किसी को नहीं सुना है। उसका रीज़न क्या है कि इंडियन सोसाइटी में जो मेनस्ट्रुएशन है उसको बहुत ही एक सोशल और कल्चरल टैबू माना जाता है, राइट, कोई भी कंफर्टेबल नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। और बहुत सारे महिलाओं को ऐसे बोला जाता है कि हाँ अभी उसके 4-5 दिन है वो बीमार है। देखिए मेनस्ट्रुएशन पीरियड्स होना बीमारी नहीं है, यानी अगर किसी महिला को पीरियड्स हो रहे हैं दैट मींस वो हेल्दी है, उसकी सेहत सही है, और अगर किसी को नहीं हो रहे तो ये प्रॉब्लम की बात है। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा टैबू बना है, लोग इस तरह की कॉन्वर्सेशंस ओपनली नहीं करते, इसलिए इस बारे में कोई अवेयरनेस प्रोग्राम ज़्यादा हमको देखने को नहीं मिलते। महिलाएं गांव में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा, इवन कि सिटीज़ में भी लोग ओपनली बात नहीं करते, शर्माती हैं इस बारे में बात करने से, राइट, और किस एक टैबू जो है उसको ये माना जाता है, लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि इस तरीके के वेस्ट के बारे में अगर हमें किसी को समझाना है तो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है। किस तरीके से हम सिटीजन्स को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम से, उनको समझा सकते हैं कि इस वेस्ट को हमने किस तरीके से डिस्पोज करना है। अब देखिए जो इवन की मिनिस्ट्रीज हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स की, ये काफ़ी काम करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, गर्ल्स के ऊपर, विमेन के ऊपर, और देखिए यहाँ पे उनको अवेयरनेस दी जाती है कि हाँ आप सैनिटरी नैपकिन यूज़ कीजिए, वरना रूरल एरियाज़ में क्या होता है बहुत सारी महिलाएं क्लॉथ जो है, कपड़ा जो है वो यूज़ करती हैं पीरियड्स के दौरान और बाद में धो के उसको रिपीट करती हैं, जिससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और लेटर स्टेज पर कई बार पता चलता है कि किसी को ओवेरियन कैंसर हो गया, किसी को यूटरिन कैंसर हो गया, कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा ये चीज इंपैक्ट करती है। अब यहां पे उनको सैनिटरी नैपकिंस यूज करने के लिए अवेयरनेस तो दी जाती है, लेकिन उसको आगे आपने डिस्पोज कैसे करना है इस बारे में नहीं बताया जाता। और
मेनस्ट्रुअल वेस्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं. देखिए क्लासिफिकेशन की बात आए, बहुत तरह के सैनिटरी नैपकिन्स आते हैं आपके, कॉटन लोडेड पैड्स होते हैं, कहीं पे एक आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सैप्स का यूज़ होना, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इनको डिस्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. अब देखिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं वो मेनस्ट्रुअल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं और इसको डिफाइन किया जाता है कि ये क्या है, सैनिटरी वेस्ट. देखिए पिछले कुछ सालों से जो MHAI है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको याद हो आप मुझे बता सकते हैं अगेन. अब देखिए पिछले कुछ सालों से MHAI जो है वो सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट हो गया, सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होगी, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होगी, रिसर्चर्स हो गए, टेक्नोक्रेट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरर्स हो गए, कि ये जो क्राइसिस है ये बढ़ता जा रहा है कि हमने सेफ डिस्पोजल मेनस्ट्रुअल वेस्ट का कैसे करना है. और ये क्राइसिस इतना बड़ा कैसे है, देखिए इसको समझते हैं. देखिए सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें सैप प्रेजेंट होता है, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स, अगर और इसकी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है मटीरियल, और अगर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है तो यूजुअली गर्ल्स जो हैं या महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, टॉयलेट में डिस्पोज कर देंगी इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स को, जो ड्रेन्स होती हैं वहाँ पे फेंक देंगी, जो हमारे सेवरेज सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे फेंक देंगी, उस वजह से वहाँ पे ब्लॉकिंग हो जाएगी, वो एक अलग प्रॉब्लम है. या फिर इनको जला दिया जाता है, इनको जलाने से क्या होगा कि जो टॉक्सिक फ्यूम्स हैं वो हवा में जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा. उसके बाद जैसे मैंने बताया कि एक सोशल टैबू माना जाता है, अगर लड़कियों को प्रॉपर तरीका, महिलाओं को नहीं पता कि इसको कहां पे डिस्पोज किया जाए, तो हो सकता है, देखिए जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है कि उसको 3 आवर्स में आप चेंज कीजिए, 5 आवर्स में चेंज कीजिए, लेकिन अगर किसी को प्रॉपर डिस्पोजल मेथड नहीं मिल रहा तो वो शायद 8-8, 10-10 घंटे एक सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ किया जाए, उससे जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर मेथड ना होने की वजह से फीमेल्स की हेल्थ पे असर पड़ रहा है, उसके बाद इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा तो अल्टीमेटली जो बाकी सिटीजन्स हैं जितने भी, सबकी हेल्थ पे उसका असर देखने को मिलेगा हमको, राइट. और यहाँ पे MHAI ने 3 मेन रीजंस देखे हैं कि क्या किस वजह से ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है. सबसे पहले कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, कोई प्रॉपर ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा तो अनसेफ मैनेजमेंट जो है वेस्ट की वो होगी, उसको कहीं पे भी फेंका जाएगा. दूसरा, जो महिलाएं हैं या जो विमेन हैं जिनके जो प्रॉपरली उनके पास सिस्टम नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का, तो वो क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशंस से नेगोशिएट करेंगे, वो बोलेंगे हम क्लॉथ ही यूज़ कर लेते हैं, अल्टीमेटली उनके हेल्थ पे असर पड़ेगा. और तीसरा कि जैसे मैंने बताया, या तो वो इस तरह के सैनिटरी नैपकिन्स को लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए यूज़ करेंगी, राइट. तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. और उसके बाद अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट पे भी इसका बहुत असर पड़ता है. देखिए अगर हमारे पास 2 तरीके अवेलेबल हैं इंसिरिनेशन का, कि इसको जला दिया जाए, अगर हमारे स्मॉल मॉडल्स अवेलेबल रहते हैं कि इनको जला दिया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स जो हैं वो निकलते हैं, टॉक्सिक एमिशन्स होती हैं, टॉक्सिक एमिशन से आप देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन होती है, और इस तरह के जो फ्यूम्स होते हैं बहुत बार कार्सिनोजेनिक भी होते हैं. कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब है कि उनकी वजह से कैंसर भी होता है. दूसरा आ गया हमारे पास मेथड कंपोस्टिंग का. कंपोस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा इस तरह के प्लाट जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसमें प्लास्टिक यूज़ किया जाता है. प्लास्टिक को आप कंपोस्ट नहीं कर सकते, कंपोस्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए. सैप यूज़ होता है, सैप को भी आप कंपोस्ट नहीं बना सकते. तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं कि हम इस तरह के जो नैपकिन्स हैं उनको नेचुरल फाइबर से बना सकते हैं. नेचुरल फाइबर्स यानी आप बनाना फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको हम कंपोस्ट में तब्दील कर सकें. तो आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पे भी इसका असर हमको मेनस्ट्रुअल वेस्ट का देखने को मिलता है. जलाएंगे तो भी उसका जो फ्यूम्स है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कंपोस्टिंग नहीं होगी तो भी जो सॉइल है वो पल्यूट होगा. अब देखिए इस पूरी प्रॉब्लम का उस प्रॉब्लम के कंक्लूजन से पहले हम बात करते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास किस तरह के डिस्पोजल मैकेनिज़म्स हैं. सबसे बड़े जो मैकेनिज़म हमारे पास अवेलेबल है WTE, वेस्ट टू एनर्जी, यानी वेस्ट से हम किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस करें. अगर हम कंबस्चन
इस तरह के हमारे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं जहाँ पे कंबस्शन की जाती है, बहुत ही कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कंबस्शन की जाती है, जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर को रेगुलेट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया इंसिनरेशन में बहुत सारे एमिशंस जो हैं वो निकलते हैं, वो कंबस्शन में कंट्रोल किए जाते हैं कि बहुत ही लो लेवल पे जो एमिशंस हों वो निकलें। उसके बाद जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम आगे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्लांट्स की एक डिसएडवांटेज है कि ये जो प्लांट्स हैं ये कंट्री में बहुत कम हैं, क्योंकि इनको बहुत बड़ी लोकेशन चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और ये कंट्री और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, महंगे भी हैं, और ये बहुत कम जगह पे अवेलेबल हैं। ये प्रॉब्लम है इन WTE प्लांट्स का कि जो डिस्पोजल मैकेनिज्म में हमें प्रॉब्लम आ रही है। अब एक चीज़ हो सकती है कि इस तरह के वेस्ट को अगर हमें यहाँ पे पहुँचाना है तो सबसे पहले मैं बार बार यूज़ कर रही हूँ सोर्स पे हम अलग कर लें इस तरह के वेस्ट को, फिर प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करें, डिस्पोज करने के बाद उसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट किया जाए, इस तरह के प्लांट्स पे ट्रांसपोर्टेशन पे भी ध्यान दिया जाए ताकि जो इनका डिस्पोजल है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा सेफ हो। लेकिन इस तरह का एक प्रॉपर मॉडल जो है वो हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है। अब कंक्लूजन में मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि जो मेनस्ट्रुएशन है, एक तो ये पहले एक टैबू बना हुआ है, लोग इस पे बात करके राज़ी नहीं है, महिलाएं इस पे बात करके राज़ी नहीं है। एक ये नॉर्मल बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन है, इसको छुपाने की या इसके बारे में कोई शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड इसके बारे में बात की जानी चाहिए, राइट। और इस तरह के जो कैंपेन्स हैं वो और भी ज़्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट, हमको इन्वायरमेंट लेजिस्लेशंस लाने की इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एनवायरनमेंट पे अल्टीमेटली इसका असर जो है वो देखा जा रहा है, पोल्यूशन हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एनवायरनमेंट हेल्थ इशू, राइट। एनवायरनमेंट हेल्थ इशू जो है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये काम किसी एक मिनिस्ट्री से नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क है, यानी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की ज़रूरत है कि मिलके काम करें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेटिक चेंज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो इनके एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगेंगे तो ही इसका जो समाधान है वो निकल के आएगा। इंसिनरेटर्स अगर यूज़ करने हैं हमको तो किस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूज़ करें और इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मेनस्ट्रुअल वेस्ट को कैटेगोरिकली हमको उसको सेपरेट करना है सोर्स से ही। जो स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट मैनेजमेंट के वो इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। कंपोस्टेबल प्रोडक्ट्स यानी कंपनीज जो सैनिटरी नैपकिन्स बनाती हैं उनको एडवाइस दी जानी चाहिए कि आप नेचुरल जो फाइबर्स हैं उनको यूज़ करो ताकि हम उसको डिस्पोज तो कर सकें कंपोस्टिंग के थ्रू करेंगे तो बाद में कंपोस्ट को हम सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेगुलेशंस लानी चाहिए कि जो लोग हैं वो भी इस चीज़ों को सपोर्ट करें और जो इस तरह का वेस्ट है उसको प्रॉपरली अपने घरों से ही अलग से उसको डिस्पोज करें, और सिस्टम्स आर सेटअप टू फैसिलिटेट प्रॉपर वेस्ट हैंडलिंग, और इस तरह के सिस्टम भी होने चाहिए कि इस तरह के वेस्ट को किस तरीके से हैंडल करना है वो एक प्रॉपर मैकेनिज्म भी जो है वो लाना चाहिए ताकि लोग भी उसको फॉलो करें, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशंस हैं वो भी उसको फॉलो करें, और फाइनली जब डिस्पोज जहाँ पे किया जाए उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।